Hello aspirants, myself Asif Ahad Firdausi. I have graduated from College of Agriculture, Raipur, IGK. तो dear students, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है. 178 पोस्ट में ली जाने वाली ये परीक्षा, जिसमें 21 पद ACF के लिए है और 157 पद रेंजर के लिए. तो इससे अभी से पहले आप सभी को ये पता था कि ACF या रेंजर, इसके दो पेपर होते हैं, पेपर एक और पेपर दो. लेकिन इस बार पेपर दो में मुख्य बदलाव किए गए हैं. वो बदलाव क्या है? पहले 5 भागों में पेपर होता था, लेकिन इस बार 2 नए विषय इसमें ऐड किए गए हैं. वो हैं पार्ट 6 कृषि और पार्ट 7 वानिकी, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री. तो मैं कृषि को ही पढ़ाने के लिए यहाँ आज आपके सामने आया हूँ. कृषि एवं वानिकी दोनों ही पढ़ाऊँगा, तो हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि इसे दोनों ही बच्चे देख सकें, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले, क्योंकि मैं जो चीज़ हिंदी में बोलूँगा, जो भी टर्म है, जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, उसे हिंदी तो बताऊँगा ही, साथ ही साथ इंग्लिश में भी बताऊँगा, ताकि दोनों बच्चे अगर देखें, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले, तो दोनों ही को समझ में आ जाए. तो जो सिलेबस था कृषि का, वो कुछ इस प्रकार था कि बहुत सारे टॉपिक्स आगे पीछे करके दिए गए थे. तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जो कि सारे सिलेबस को कवर करते हैं. तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसमें. तो सबसे पहला जो भाग है, वो जो पहला सिलेबस का पॉइंट है, वो है पारिस्थितिक विज्ञान. अब पारिस्थितिक विज्ञान क्या होता है बच्चों? जिसको इकोलॉजी बोलते हैं. इकोलॉजी हमारे आसपास की चीज़ें, और मनुष्य के साथ उसका क्या संबंध है, कैसे संबंध है, क्या संबंध स्थापना है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे. और दूसरा जो आता है वो है सस्य विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी. अब आप बोलोगे कि सर दूसरा सिलेबस का पॉइंट तो कुछ अलग दिया हुआ है, लेकिन दूसरा पॉइंट अलग दिया इससे मतलब नहीं है. लेकिन वो सारे जो टॉपिक्स दिए हैं, दूसरा पॉइंट जहाँ स्टार्ट है, सारी के सारी चीज़ें सस्य विज्ञान के अंदर आती है. जो कि पहला आप देखोगे जल कृषि, जलवायु है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन जिसको बोलते हैं, वो सारा एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के अंदर ही सीमित है. फिर उसके बाद यह है वीड या खरपतवार. खरपतवार जो कि फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं बच्चों. तो हम एग्रोनॉमी पढ़ने के बाद, एग्रोनॉमी में हमको क्या पढ़ना है? वैसे जलवायु, कृषि जलवायु पढ़ेंगे हम, रवि खरीफ फसल पढ़ेंगे हम, और क्या तिलहन दलहन फसलें होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे आगे क्लासों में. तो फिर अगला आता है खरपतवार, जिसे वीड कहते हैं. अब खरपतवार क्या है? अब बायो वाले बच्चे कुछ जानते हैं, और अगर कोई एग्रीकल्चर का बच्चा है तो हाँ बहुत कुछ जानता है इसके बारे में. तो मैं ये बता दूँ आपको कि जो खरपतवार या वीड होता है, वो फसलों के अलावा अपने से उगने वाली चीज़ें होती हैं जो फसलों के साथ कंपटीशन करती हैं. तो हम कुल मिला के ये कहें कि हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले ये पौधे हैं, ठीक है. तो जब हम वीड पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या आता है सिलेबस का पार्ट? मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस, ठीक है. मृदा मतलब सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, ठीक बच्चों. तो मृदा विज्ञान है क्या? हम इसमें पढ़ेंगे विभिन्न मृदाएं. बेसिकली बहुत सारी 12 वर्ग होते हैं मृदा के, लेकिन हमको बेसिकली ज़्यादा नहीं जानना है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के हैं. तो हम इसमें जो मुख्य मृदाएं छत्तीसगढ़ की ज़्यादा पढ़ेंगे इसमें, और फसलों को कैसे मृदा की आवश्यकता होती है, कैसे मृदाओं में कैसे फसलों को उगाया जाता है. और हाँ, इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो है फर्टिलाइजर, जिसको उर्वरक बोलते हैं, खाद एवं उर्वरक. ये भी मृदा विज्ञान के अंदर में ही हमको पढ़ना होता है. तो आप अभी कॉपी पुस्तक लेके बैठे हैं और इस इन पॉइंट्स को नोट कर ही लीजिएगा, और इसके बाद सिलेबस डिस्कस करने के बाद मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ. क्योंकि आज छोटा डेमो जैसा क्लास मैं आपका ले रहा हूँ, इसमें सिलेबस डिस्कस करना है. तो हम पढ़ेंगे मृदा विज्ञान में वही सारी चीज़ें जिन्हों मैंने आपको बताया. फिर हमको पढ़ना है जल प्रबंधन एवं सिंचाई, वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन. वाटर मैनेजमेंट क्या है बच्चों? हमको देखना है वाटर मैनेजमेंट की फसल में
किस फसल की जो जल उपयोग क्षमता है, वाटर यूज इफिशियंसी वो कैसी है, जल का कैसे उपयोग करना चाहिए, कैसा प्रबंधन करना चाहिए, सिंचाई कैसे देनी है, हमको कब देनी है, ये सारी बातें हमको इसके अंदर कवर करनी है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने वाली बात नहीं, जैसा मैं पढ़ाऊँ आपको वैसे ही पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रक्षेत्र प्रबंधन। प्रक्षेत्र मतलब होता है फार्म, फार्म सभी जानते हैं बच्चों, फार्म प्रबंधन या प्रक्षेत्र प्रबंधन मैनेजमेंट, ठीक है। ये पार्ट जो है, ध्यान से सुनिए, ये पार्ट जो है प्रक्षेत्र प्रबंधन जो है वो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के अंदर ही आता है। तो और भी टॉपिक्स हैं लेकिन ये मेन पॉइंट दिया था, इसके अंदर हम बजट वगैरह भी पढ़ेंगे फार्म का। और आगे फिर ले चलते हैं आपको कृषि विस्तार में, कहाँ, कृषि विस्तार में। तो कृषि विस्तार क्या है बेसिकली, कृषि विस्तार मतलब होता है एक्सटेंशन। अब देखिए, अब कृषि महाविद्यालय है जो रिसर्च सेंटर है जहाँ पे भी अनुसंधान हो रहा है कृषि के ऊपर, अगर वो लैब में ही रह जाए तो क्या होगा, उसका क्या सार्थकता है, अगर वो किसान तक ना पहुंच पाए तो उसका क्या मतलब है। तो जो भी कृषि में नई उन्नत टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें अगर हमारे कृषि महाविद्यालय रिसर्च सेंटर है जो अनुसंधान केंद्र अगर उसे बना रहे हैं तो वो किसान तक कैसे पहुंचता है। तो ये एक शाखा है कृषि की जिसे कृषि विस्तार कहते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो इसी शाखा का काम होता है कि किसानों तक ये बात पहुंचाया जाए कि क्या आपको कृषि में नई चेंजेस लाने हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या आपको यूज करना है, हम पढ़ेंगे बच्चों को। तो अगला आता है कोशिका विज्ञान, ठीक है, सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़नी है, कोशिका क्या है, पादप कोशिका क्या है, थोड़ा सा एनिमल सेल या कि जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन कोशिका फिर उसके अंदर उसके जो भी अंग हैं और बहुत सारी चीजें हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन है जिसको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। तो ये क्या है, इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है, इसके अंदर हमको पढ़ना है वंशागति, पढ़ना है हमको इसके अंदर पढ़ना है कि कैसे एक जो गुण है माता पिता से, कैसे माता पिता मतलब हमको प्लांट के ही पादप के ही अनुसार इसको डील करना है, लेकिन हम पढ़ेंगे इस चीज को कि गुण कैसे ट्रांसफर होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे उतरते हैं, हमको वंश की सुधार कैसी करनी है, नए पौधे कैसे तैयार करने हैं। और ये पादप प्रजनन जो मेन हमारा सब्जेक्ट है इस टॉपिक के अंदर, तो पादप प्रजनन में क्या होता है, जो अच्छी किस्मों के बारे में तो आप सुने वेराइटी, ये दशहरी है, ये आम की जैसे वेराइटीज होती हैं, किस्में होती हैं, ये बैगन फली दशहरी, तो वो क्या है, वो पादप प्रजनन से ही उसे तैयार किया गया है। तो वो कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या इसमें प्रोसेस है हम पढ़ेंगे, और मेन मेन क्या फसल इसमें लेना है ये इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आता है बीज प्रौद्योगिकी जिसे सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं, बहुत नया सब्जेक्ट है, बायो वाले बच्चे भी इसे नहीं सुने होंगे कि सीड टेक्नोलॉजी क्या है। पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें कि बीज का जो संरचना है वो कैसा होता है, बीज के क्या भाग हैं, ये तो चलिए बायो वाले बच्चे पढ़े होते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे। और मेन जो किसानों तक बीज पहुंचना और बीज तैयार करने का जो पूरा प्रौद्योगिकी की क्रिया है, जो टेक्नोलॉजी प्रोसेस है, वो हम बीज प्रौद्योगिकी के अंदर इसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पादप शरीर क्रिया विज्ञान। क्या है पादप मतलब प्लांट, शरीर क्रिया विज्ञान मतलब फिजियोलॉजी, कि अंदर में क्या क्रियाएं होती हैं, कि प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, कौन से ऐसे हार्मोन हैं, कौन से जैव उत्प्रेरक होते हैं जिसे एंजाइम कहते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, और हम इन्हीं चीज़ें, जैसे सबसे मेन प्रोसेस क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा है रेस्पिरेशन जिसे श्वसन कहते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर आता है पादप रोग एवं कीट, कि प्लांट यानी मेजर जो हम बात कर रहे हैं, मुख्य बात है कि हमारे फसलों में रोग कहाँ से लगता है, तो कैसे लगता है रोग, उसकी रोकथाम क्या है, कौन से कीट हमारे फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं, उनकी रोकथाम क्या है, इन सारी चीज़ों को हम पादप रोग एवं कीट विज्ञान में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर आता है खाद्य उत्पादन जिसे फूड प्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, इसमें पढ़ना ये होगा कि
कितना भारत का खाद्य उत्पादन है, कैसे इसको मैनेज करते हैं, कहाँ स्टोर किया जाता है, प्रबंधन क्या है, इन्हें संग्रहण कहाँ होता है, ये सारी बातें हमको पढ़नी पड़ेंगी। तो क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, अब आज तो मैं एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं आपको फॉरेस्ट्री के बारे में बताऊँ। तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट लो, ले लो इसको और लिख लेना एक बार उसी हिसाब से, क्योंकि आपको आगे पढ़ना है। जिस टॉपिक को मैं पकड़ूंगा उसी को पहले खत्म करेंगे और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते जाएंगे। जरूरी नहीं कि मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करूँ, पहले टॉपिक से स्टार्ट करूँ, मैं स्टार्ट करूंगा जहां से भी स्टार्ट करूंगा ऐसा स्टार्ट करूंगा कि आपको समझ में आए और आप उसके साथ साथ ही फ्लो में आगे चलें। टॉपिक्स बहुत सिलेबस के हिसाब से कम लिखी है, लेकिन वो सारे जो टॉपिक्स इधर उधर बिखरे हुए हैं मैंने उन्हें उठा के एक जगह रखा है जिसे आपको इकट्ठा पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। तो ये रही कुछ सिलेबस वाली बातें, ठीक है, ये क्या है, ये सिलेबस की बातें। अब देखो बच्चों, पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको मोटा मोटी कुछ तो पता होना चाहिए। क्यों कि बस आपको बस पढ़ना है कि एग्रीकल्चर या कृषि के बारे में आपको कुछ जानकारी ना हो, ऐसा होना चाहिए क्या? कृषि, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, कृषि, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ तो जानना चाहिए आपको। क्या बोलते हैं कृषि को? एग्रीकल्चर बोलते हैं इंग्लिश में। अब बात को समझना, एग्रीकल्चर तुम पढ़ोगे और तुमको एग्रीकल्चर का ही मतलब नहीं पता होगा तो क्या मतलब है बताओ? हाँ, इसकी मीनिंग के बारे में आपको नहीं पता है तो चलो मीनिंग में बताऊंगा, लेकिन मेन क्या है आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर की बहुत सी परिभाषाएं हैं, बहुत मतलब कि फसल को उगाने, उसकी प्रबंधन की क्रिया को, उसके विज्ञान को हम एग्रीकल्चर के अंदर वो स्टडी करते हैं, बहुत सारी इधर उधर की हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तुमको ऑब्जेक्टिव देना है, सब्जेक्टिव देना नहीं है, है ना, तुमको टिक लगाना है, तुमको वहां जाके परिभाषा को नहीं लिखना है, इसलिए आपको परिभाषा को याद नहीं रखना है। जब बोलूंगा कि परिभाषा याद रखो तो हाँ उसको रख लेना, लेकिन जरूरत नहीं है। कृषि, तो जो बहुत महत्वपूर्ण एक छोटी सी परिभाषा इसकी है कि कृषि क्या है, तो कृषि कोई पूछता है ना कृषि क्या है, कृषि विज्ञान है, कृषि क्या है, तो कुछ नहीं, कृषि कला एवं विज्ञान दोनों ही है। कृषि क्या है, कृषि कला एवं विज्ञान दोनों, कैसे है पूछो? कला, पहले विज्ञान की बात करते, कृषि विज्ञान कैसे है? विज्ञान इसलिए है कि हमें कब क्या चीज देनी है, कौन सा खाद देना है, कौन से उर्वरक देने हैं, कब हमें इसमें नाइट्रोजन देना है, कब फॉस्फोरस देना है, ये सारी बातें, और कैसे इसको अच्छे से इसका सिंचाई वगैरह करना है, वो सारी चीजें आप विज्ञान में मान लो, लेकिन उसकी तैयारी, खेत की तैयारी, ये सारी चीजें एक कला है। आप कैसे एक किसान अपने खेत को संजोता है, कैसे क्या करता है, ये सारी चीजें कला के अंदर आ जाती है। तो बस ये छोटी सी टॉप, आप जो ये परिभाषा है कि कृषि कला एवं विज्ञान दोनों ही है, ये याद रखना है, कृषि कला एवं विज्ञान दोनों ही है। एग्रीकल्चर इज अ साइंस एज वेल एज अ आर्ट, इस चीज को आपको याद रखना है, दोनों ही है। ये फिर भी कोई नहीं पूछेगा बच्चों, फिर भी कोई नहीं पूछेगा, अगर पूछ भी सकता है तो पूछेगा कि कृषि क्या है, तो ऑप्शन में आपको दे देगा विज्ञान, कला, फिर कला और विज्ञान दोनों, और इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है तो आपको वहां लिखना है कि कला विज्ञान दोनों है, लेकिन वैसे पूछा नहीं जाएगा, पूछेगा क्या, पूछता ये है। तो चलो मैं बताता हूँ क्या पूछता है। तो आप पहले, ये तो छोटी सी परिभाषा जैसी चीज है, अब आप देख लो कि एग्रीकल्चर जो वर्ड है, एग्रीकल्चर वर्ड कहां से आया, क्या ये हिंदी है? हिंदी है नहीं, एग्रीकल्चर इंग्लिश है वैसे, लेकिन इंग्लिश शब्द का भी जो उद्गम होता है वो कहीं किसी अलग भाषा से होता है। तो एक भाषा है जिसको लैटिन बोलते हैं, जिसे लैटिन भाषा है, लैटिन मैक्सिको की तरफ बोला जाने वाला भाषा है,
ठीक है, मैक्सिको है, कोलंबिया, ये देश है, यहां बोली जाने वाली भाषा है। तो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो दो लैटिन शब्दों से मिलके बना, वो क्या है, एगर प्लस कल्चरा, क्या, एगर प्लस कल्चरा, दोनों मिलके क्या बने, एग्रीकल्चर। तो वो दो शब्द क्या है बच्चों, लिखना है इसको, ये आज छोटा सा मैं क्लास स्टार्ट कर दिया सिलेबस के अलावा। एग्रीकल्चर वर्ड किससे मिलके बना, लैटिन वर्ड एगर प्लस कल्चरा। तो एगर का मतलब क्या होता है, एगर का मतलब होता है मृदा, क्या होता है, मृदा, मृदा मतलब सोइल। और कल्चरा का मतलब होता है खेती, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कल्टीवेशन। तुम हवा में तो, किसान हवा में तो नहीं लगाता है अपने फसल को, मिट्टी में लगाता है, मिट्टी में खेती करता है, इसलिए एग्रीकल्चर का मतलब होता है, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से बना हुआ एक शब्द है जिस, जो कि अगर और कल्चरा है, जिसको मतलब, अगर का मतलब मृदा होता है और कल्चरा का मतलब खेती होती है, मृदा में खेती, ठीक है। तो ये चीज आप देख लो, इसको लिख लेना, पॉज करके लिखोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना ही रखना है ये चीज, कि लैटिन वर्ड है और वो लैटिन, कौन से लैटिन वर्ड से बना है, एगर और कल्चरा, जिसमें एगर का मतलब मृदा, कल्चरा का मतलब खेती होती है, ठीक है। तो मैं अब रब करने जा रहा हूँ, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेके, मैं हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना या फिर पॉज करके देख लेना। ठीक, तो ये तो एग्रीकल्चर के बारे में बात है, लेकिन अब एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में पता रहना। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, मनुष्य इतिहास में बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन हमको वो याद नहीं रखना है, ठीक है। तो हमको बहुत, जो सबसे मेन चीज याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले खेती कब शुरू हुई, तो क्या बोलोगे आप, कि 200 साल 400 साल पहले, नहीं, ये बहुत सालों पहले की बात है, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि उस समय मनुष्य क्या करता था, मतलब उसका नाम क्या हुआ करता था, जैसे आपको पता है, अभी विज्ञान वाले बच्चों को पता होगा कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सेपियंस, लेकिन उस समय कुछ और नाम था क्योंकि इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो सब नहीं पढ़ना है। फालतू की बहुत सारी बुक्स में आप अगर बुक खोल के अपने से पढ़ोगे तो बहुत सी चीजें दी हुई है, एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा प्लीज, जितना लिखा रहा हूं उतनी ही पढ़ना, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। तो आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो इस डेट को याद रखना है, इस सन को याद रखना है। वो सन क्या है, क्या है, अच्छा 7500 है, 7500 बीसी। बीसी क्या है, अब तुम कुछ भी मतलब निकाल सकते हो बीसी का मतलब, लेकिन बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसे आप क्या बोलते हैं, ईशा पूर्व, क्या बोलते हैं, ईशा पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईशा मसीह, ईसु मसीह जानते हो ना, ईसु मसीह, ईशा, उनके जन्म के 7500 वर्ष पूर्व क्या हुई थी, खेती की शुरुआत हुई थी। खेती की शुरुआत कब हुई थी, 7500 बीसी पूर्व, कब क्या स्टार्ट हुआ था, खेती शुरू हुई थी, ठीक है। कि तो याद क्या रखना है, खेती की शुरुआत कब हुई, 7500 बीसी में, कब हुई, 7500 बीसी में। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया कि कब खेती की शुरुआत हुई, तो 7500 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 7500 वर्ष पूर्व, तो ये एक बात। लेकिन अगर आपको पूछ देगा कि पहली फसल कौन सी थी, हाँ पहली फसल कौन सी थी, पहली फसल कौन सी लगाई गई, तो क्या बोलोगे, मनुष्य इतिहास में पहली फसल कौन सी लगाई गई, वो पहली फसल थी गेहूं और जौ। सब जानते हो बेटा गेहूं मतलब क्या होता है,
अच्छा जानते हो गेहूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तुमको तो पता है राइस बोलते हैं। अच्छा राइस नहीं बोलते, वीट। ओके वीट बोलते हैं। और जौ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जौ को इंग्लिश में बोलते हैं बार्ले। देखो ये याद रखना ठीक है, आपको ही आसानी होगी आगे, सिर्फ हिंदी के पीछे ना नहीं पढ़ना है आपको। जो दो चीज़ आपको बता दे रहा हूँ अगर इंग्लिश में तो वो भी लिख लेना। पहली तो 7500 BC में पहली बार फसलों की खेती की गई और पहली फसल जो लगाई गई वो थी गेहूं और जौ। अब बैठे सवाल तुम्हारे मन में उठ रहा होगा कि अगर एग्जाम में पूछेगा कि गेहूं और जौ में से पहले किसकी खेती की गई तो तुम क्या टिक मारोगे या क्या निशान लगाओगे, सही आंसर किसको लोगे? तो जनरली बच्चों एग्जाम में अगर ये पूछा गया है कभी तो सिर्फ गेहूं को दिया जाता है, ऑप्शन में सिर्फ गेहूं को दिया जाता है। अगर बाई दफे तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और गेहूं ना देके जौ दिया तो आप जौ को ही मार्क करना। इसको लिख लो कि पहले किसकी खेती की गई, ठीक है? तो मैं देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा आपको इसके पुराने हिस्ट्री में नहीं जाना है, उसके बाद हमको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जाना है, आधुनिक इतिहास जो इसका अभी का है उसके बारे में जानना है, ठीक है? तो देखो इसको लिख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको हिस्ट्री से। पूरा दुनियादारी आप एक पूरा बुक पढ़ लोगे हिस्ट्री कृषि के इतिहास पे तब भी आपको कुछ ज्यादा हासिल होने वाले नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वन सेवा परीक्षा में पहली बार एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया गया है, तो अब आपको ये मत सोचना कि बहुत हाई लेवल का ही एग्रीकल्चर आएगा। अगर उतना घुस के पढ़ोगे तो पता नहीं अपना ही नुकसान करा लोगे। चलो तो मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना? ठीक, जब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की तो देखो, अच्छा यहाँ पे भी बायो वाले बच्चे भी बहुत से हैं, इंजीनियरिंग वाले भी है ना, इवन कॉम। तो जैसे देखो मेडिकल साइंस में जो सबसे बड़ी संस्थान है वो क्या है? वो है एम्स, ठीक है? और जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग में है वो क्या है? IIT, ठीक। तो आजकल अभी जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है तो आप बहुत सारे न्यूज़ में देखते हैं ICMR करके देता है कि ICMR की न्यूज़ ने ये बताया, ठीक। तो ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है कि नहीं है, ठीक। तो उसी तरीके से एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ी संस्थान है वो है ICAR। अभी देखो बोला हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री में इन्हीं दो संस्था में लिखाने वाला हूं तो इन्हीं दो संस्थान में से आता है। ये तो हो गया ये हो गई सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? सबसे बड़ा ये परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये हाँ। तो देखो क्या बात कहाँ कर रहा था मैं कि जैसे ICMR है जो सारे मेडिकल सारे डॉक्टर सारे चीज़ों का जो ऊपर जो बॉडी है वो ICMR, वैसे ही एग्रीकल्चर की जो सबसे बड़ी बॉडी है सबसे बड़ी संस्थान है वो ICAR है। तो बच्चों मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर में कृषि में जो भी पूरे देश में काम होता है सब ICAR के डायरेक्शन से होता है। किसके डायरेक्शन से होता है? सारी चीज़ें ICAR के डायरेक्शन से होती है। अब तुम्हारे मन में सवाल है कि ICAR का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या तुम बताओगे? इंडियन मतलब भारतीय होता है, हिंदी तो आता है बच्चों थोड़ा थोड़ा, भारतीय कृषि अनुसंधान, और काउंसिल का मतलब होता है परिषद। इंडियन, आई से इंडियन मतलब भारतीय, सी से काउंसिल मतलब परिषद, ए से एग्रीकल्चर मतलब कृषि, आर से अनुसंधान। याद रखना, पूछेगा नहीं इन दिमाग में रखना, ठीक। तो क्योंकि सबसे बड़ी बॉडी है एग्रीकल्चर में, देखो एग्रीकल्चर हम पढ़े हुए हमको पता है कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। क्या क्या है ICAR के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कुछ, जो क्वेश्चन आता ही है। तो ICAR का जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया है वो आपको लिख लेना है ना। सबसे अगर आप किसी संस्थान के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो सबसे दिमाग में पहली बात क्या आती है कि वो कब बना, कब बना।
तो वो बना 16 जुलाई 1929 में। कब बना? 16 जुलाई 1929 में स्थापना हुई इसकी। ठीक है, एकदम याद रखने वाली बात है। क्या है? स्थापना दिवस कब है? 16 जुलाई 1929। एकदम याद रख लेना बच्चों, ठीक है, एकदम कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। स्थापना ICAR की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1929 में हुई। ठीक, ये क्वेश्चन अब बहुत कम एग्जाम में, जैसे मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछता है कि ICAR की स्थापना कब हुई, 16 जुलाई 1929 में हुई, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ सर ने लिखाया था स्थापना कब हुई। लेकिन इसे पूछने का एक और तरीका है, ठीक है, स्थापना दिवस को पूछने का एक और तरीका है। अच्छा, क्या है वो? जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हो ना, बर्थडे जन्म का दिन, ठीक है, तो उसी तरीके से अब आता हो, आप ही बता दो कि ICAR का जन्म दिवस कब है, तो वो क्या है? 16 जुलाई 1929। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि ICAR डे, क्या ICAR डे कब मनाया जाता है? When ICAR डे इज सेलिब्रेटेड, क्या When ICAR डे इज सेलिब्रेटेड, तो कब मनाया जाता है बच्चों? जैसे आप अभी मैंने बोला कि आपके बर्थडे का दिन ही आपका जन्मदिवस है, जिस दिन आपने जन्म लिया वो आपके बर्थडे है, तो जिस दिन ICAR की स्थापना हुई इसलिए उसी दिन को तो बोलेंगे ICAR डे। तो आपको क्या याद रखना है? 16 जुलाई। हाँ, ICAR डे अगर पूछेगा तो उसमें ये सन आपको याद नहीं रखना है, 1929 याद नहीं रखना है, क्योंकि सिर्फ डे पूछा है। स्थापना पूछेगा तो हाँ बताना कि 16 जुलाई 1929, एकदम डेट को याद रखना है, रट लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये हुई दो बातें, ठीक है, तो एक और छोटी सी बात याद रखना। अब देखो 1929 मतलब देश आजाद नहीं हुआ था, देश आजाद नहीं हुआ था मतलब ब्रिटिश या अंग्रेज इस पे राज, हमारे देश पे राज कर रहे थे, तो उस समय एक चीज होता था जिसे कहते थे वाइस रॉय। अगर पुरानी मूवी आपने कोई सी देखी होगी देशभक्ति वाली, या कोई सभी सीरियल देखा होगा, तो उसमें एक होता था वाइस रॉय। अब वाइस रॉय क्या है? सर इंग्लिश लिख दिए, हिंदी में पढ़ाऊंगा बोल के, बेटा वाइस रॉय का मतलब होता है राज प्रतिनिधि, क्योंकि ब्रिटेन में राजा वाला राज था, तुम मतलब वहां पे, तो जो अंग्रेजों को प्रतिनिधित्व करता था अंग्रेजों के यहाँ पे आके, जो रूल करता था राजा के बदले रानी के बदले, उसे राज प्रतिनिधि या वाइसरॉय बोलते थे। क्या बोलते थे? राज प्रतिनिधि या वाइसरॉय। लेकिन ये वर्ड ज्यादा आप याद रखना, ठीक, ये वर्ड ज्यादा याद रखना। और अंग्रेज इतने बदमाश थे कि जो बड़े अहदे के लोग होते थे उन्हें लॉर्ड कहलाते थे। लॉर्ड मतलब क्या होता है? भगवान, ठीक है, लॉर्ड मतलब भगवान। बात हो रही थी क्या 1929 तक देश आजाद नहीं हुआ था, वाइसरॉय, तो उस समय राज प्रतिनिधि कौन थे? कौन थे राज प्रतिनिधि? थे लॉर्ड लिन लिथ गौ। कौन थे? देखो बच्चों, लॉर्ड लिन लिथ गौ भगवान ही कहला देते थे इनको। लॉर्ड मतलब भगवान होता है, इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में भी लिख देता हूं लॉर्ड लिन लिथ गौ, लॉर्ड लिन लिथ गौ। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है बच्चों कि ICAR की स्थापना किस वाइसरॉय के अंडर में हुई, किसके राज में हुई थी, तो कौन थे वो? लॉर्ड लिनलिथ गाओ। इसको लिख लो, सबसे पहली बात तो ICAR का फुल फॉर्म, स्थापना कब हुआ, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, उस समय वाइसरॉय कौन थे? कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ गाओ, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको पॉज करके लिख ही लेना, ठीक है। तो मैं इसे अब मिटाता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखो, कोई भी संस्था है,
उसके कोई कोई ना कोई तो प्रतिनिधि होते हैं ना भाई, उसके चेयरमैन बोलते हैं किसी को, किसी को सीईओ बोलते हैं, किसी को बोलते हैं सचिव, है ना, किसी को अध्यक्ष बोलते हैं। तो इसी तरीके से अपने आईसीआर के भी शुरू में निदेशक थे, अध्यक्ष थे और सचिव थे। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए आईसीएआर के प्रथम मतलब फर्स्ट निदेशक जिसको बोलते हैं डीजी डेप्यूटी जनरल, क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसको, डीजी वाई। आईसीएआर के प्रथम निदेशक या डिप्टी जनरल डीजी कौन थे, तो कौन थे स्टूडेंट्स, उनका नाम था डॉक्टर बीपी पॉल। क्या नाम था उनका, डॉक्टर बीपी पॉल। ये रट लेना बता रहा हूं मैं, बाद में आए तो फिर बोलना मत कि सर ने नहीं पढ़ाया था, सर सब पढ़ा देंगे। तो ये हो गया निदेशक के बारे में ध्यान देना, किसके बारे में, निदेशक। अब दूसरा ये याद रखना है हमको कि आईसीएआर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, प्रेसिडेंट। तो आईसीएआर के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मोहम्मद, मैं शॉर्ट में एमडी लिख देता हूं, मोहम्मद हबी बुल्ला, हिंदी में भी लिख देता हूं बच्चों, हबी बुल्ला, मोहम्मद हबी बुल्ला, ठीक है, याद रखना। अब तीसरा और आ रहा है, तुम तो अभी से एग्रीकल्चर को देख के डर जाओ, बस इसमें ही इतना तुमको बस याद रखना है, बाकी टेंशन मत लेना। सब छोटी छोटी चीजें तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने लोगों के नाम याद रखते हो, इसमें भी याद रखना कि पहले निदेशक कौन थे बीपी पॉल, पहले अध्यक्ष कौन थे प्रेसिडेंट मोहम्मद हबीबुल्ला, और प्रथम थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फर्स्ट सचिव, पहले सचिव, सचिव को इंग्लिश में सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कहते हैं, जो थे एस ए हयाद्री। कौन थे, हयाद्री, सुन लो लिख लेना, हयाद्री, एस ए हयाद्री। इन चीजों के को लिख लो अच्छे से, मैं हटता हूं, स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लेना, ठीक। अब मैं मिटाता हूं बच्चों इसको, अभी आईसीआर के बारे में ही चीजें आगे बढ़ रही हैं, इसके बाद में एक और इंस्टीट्यूट पढ़ाऊंगा और फिर आपसे विदा लूंगा, है ना। तो ये तो हो गई एक और बात। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रथम मतलब वर्तमान में, वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट में, करंट में, वर्तमान डीजी, डीजी मतलब क्या, महानिदेशक, ठीक है, निदेशक या महानिदेशक जो भी तुमको बोलना है, डिप्टी जनरल कौन है, तो उनका नाम है त्रिलोचन महापात्रा, त्रिलोचन महापात्रा, त्रिलोचन महापात्रा, ये वर्तमान के डीजी हैं, इनको नाम याद रख लेना। और दूसरा ये इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात है कि अब जो अध्यक्ष होता है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो केंद्र का कृषि मंत्री होता है, केंद्र का, जो भी केंद्र में कृषि मंत्री होता है वो आईसीएआर का अध्यक्ष होता है। तो अभी कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र तोमर जी,
माननीय नरेंद्र तोमर, ठीक है, ये याद रखना कि वर्तमान में कौन होता है, ये दो चीजें अब इसमें खत्म करेंगे। आईसीआर के बारे में थोड़ी सी और चीजें बता दूंगा मैं आगे, कि जो बजट बनता है किसी भी कृषि संस्थान का, किसी भी कृषि महाविद्यालय का, जो भी पैसे का लेन देन होता है, वो फंडिंग जो होती है वो सब आईसीआर करती, मतलब सारा कंट्रोल आईसीआर के हाथ में रहता है, ठीक है, तो इसको याद रख लेना, ठीक, लो पॉज करके भाई लिख लेना, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री, सॉरी केंद्रीय होता है, ठीक है, माय मिस्टेक, केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि नरेंद्र तोमर जी हैं, ठीक है, तो लो स्क्रीनशॉट और लिख लेना, मिटाता हूँ आप। तो ये हो गया सबसे बड़े संस्थान के बारे में। अब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एम्स होता है मेडिकल में, और जैसे आईआईटी होती है इंजीनियरिंग में, जैसे आईआईएम होता है कॉमर्स वालों का, वैसे ही हमारे एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ी अध्ययन संस्थान है जहाँ पर छात्र पढ़ते भी हैं और रिसर्च भी होता है, वो है IARI, जिसको बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान, आईसीआर में परिषद था, ये संस्थान है, ठीक है, इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसमें भी स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, ठीक है, कि स्थापना कब हुई, तो वो आपको सिर्फ ईयर याद रखना है 1905। उस समय पीछे पड़े थे वाइसरॉय, मतलब राजप्रतिनिधि कौन था, राजप्रतिनिधि को सूबेदार भी बोलते हैं बच्चा, ठीक है, तो मैं यहां लेकिन राजप्रतिनिधि ही लिखता हूं, सूबेदार कौन थे उस समय, थे लॉर्ड कर्जन, कौन थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक। हाँ, तो ये एक और बात बोलना है कि नेक्स्ट क्लास से अपन लास्ट में MCQ भी कम से कम 5 से 10 MCQ आपको देंगे, आपको उसको भी याद रखना है। स्थापना 1905 में हुई, उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कहाँ था, अच्छा तो एक चीज छूट गई मुझसे ICR में, कि ICAR कहाँ है, तो वो न्यू दिल्ली में है, कहाँ है, न्यू दिल्ली, याद रखना ICAR कहाँ है, लिख लो अभी नोट करो, फिर भूल जाओगे कल, न्यू दिल्ली में है, ठीक, ICAR कहाँ है, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारा IARI है ना, ये भी कहाँ है, अभी वर्तमान में, अच्छा सुनो भूल जाओ, अभी देखो IARI भारतीय कब स्थापना हुई, 1905 में, कहां इसे बनाया गया था, पूसा समस्तीपुर, और समस्तीपुर कहां था, बिहार। तो 1905 में इसे कहां बनाया गया था, पूसा समस्तीपुर बिहार में, IARI की स्थापना हुई 1905 में कहां, पूसा समस्तीपुर बिहार, वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बच्चों, 1934 में, याद रखना लिखूंगा नहीं, ठीक है, 1934 में भूकंप आया, क्या आया, भूकंप, अर्थक्वेक। तो जो IARI का भवन था पूसा में समस्तीपुर बिहार में, वो टूट गया 1934 में
1934 में भूकंप से भवन नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है। तो क्या किए कि 1936 में उसे स्थानांतरित किया गया IRI को स्थानांतरित किया गया कहां? नई दिल्ली में। कहां स्थानांतरित किया गया? नई दिल्ली में। अब फिर सुन लो, लाइन सुनो, क्रोनोलॉजिकल तरीके सुनो कि स्थापना 1905 में समस्तीपुर बिहार में हुई। वॉइस तरह थे लॉर्ड कर्जन, 1934 में भूकंप से भवन नष्ट हो गया, तो उसे 1936 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। किसे? IRI को। तो ये बस ये तीन चार चीजें याद रखने की, स्थापना, जगह, वाइसरॉय कौन थे, क्या हुआ था 1934 में, 1936 में नहीं नया भवन निर्माण हुआ दिल्ली में, पूरे संस्थान को कहां स्थानांतरित किया गया? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। हाँ, एक चीज एग्रीकल्चर के बच्चों को भी नहीं पता होती है, पूछ के देखिएगा कभी, कि IRI के जो प्रथम फर्स्ट डायरेक्टर थे, डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक, तो वो थे B. विश्वनाथ। इसको याद रखना बच्चों, ठीक है। तो लो, इसको लिख लो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।